एक मित्र ने लिखा है, प्यारे सद्गुरु, पिछले अपने प्रवचन में आपने बड़ी मीठी बात कही थी कि अध्यात्म का आनंद यात्रा में ही सन्निहित है, मंजिल पा जाने में नहीं। परमात्मा के लिए भटकने में जो मजा है वो उसे पा लेने में नहीं है। यदि हम कभी ऐसा महसूस करें कि परमात्मा के द्वार तक पहुंच भी गए हैं, तो हमें रविंद्रनाथ के साधक की तरह तत्क्षण वहां से वापस भाग लेना चाहिए। क्या मैं आपसे ये आशीष मांग सकता हूं कि मेरी मंजिल मुझे कभी ना मिले और मैं जन्मों जन्मों तक उसकी अभिप्सा और उसकी राह में ही भटकता रहूं। आगे लिखा है एक शेर बड़ा सुंदर सा, मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ गई। पिछली बार जो मैंने बात कही थी वो अध्यात्म के बहुत ही गहरे रहस्यों में से एक है। मंजिल में आनंद का तात्पर्य इतना ही है कि व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि मंजिल कहीं है ही नहीं। संसार की यात्रा मार्ग और मंजिल की यात्रा है, और अध्यात्म की यात्रा मंजिलों से मुक्त हो जाने की यात्रा है। मार्ग भी सचमुच में मार्ग जैसा नहीं है, वो जान पड़ता है कि मार्ग जैसा है, लेकिन फिर अगर मार्ग भी नहीं है तो जिसे तुम चलना कहते हो, जिसे तुम भटकना कहते हो, क्या सचमुच में वो भी है? वो भी नहीं है। अगर मंजिल खो गई, मार्ग खो गया, तो फिर चलने वाला भी कोई नहीं रहा और खोजने वाला भी कोई नहीं रहा। फिर क्या है ये सब? क्योंकि तुम चलते हुए तो जान पड़ते हो, तुम खोजते हुए भी जान पड़ते हो। ये चेतना की एक लीला है, केवल चेतना ही है और कुछ भी नहीं। लेकिन ये चेतना अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त होती है। आध्यात्मिक और गैर आध्यात्मिक व्यक्ति में अंतर क्या है? आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी चेतना के अनुभव में स्थित है और सारे नाटक को चलने देता है। गैर आध्यात्मिक व्यक्ति अपने चेतना के अनुभव को नहीं जानता और नाटक को वास्तविकता मानकर उलझ जाता है। बस इतना ही अंतर है। ऐसा नहीं कि जब तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन का सारा कार्य व्यापार समाप्त हो जाएगा। जीवन का कार्य व्यापार अभी भी वैसा ही चलेगा, लेकिन अब एक अंतर पड़ चुका होगा। तुम अपने केंद्र में, तुम अपनी चेतना के अनुभव में पूरी तरह स्थित हो गए होगे, और बाहर परिधि पर जो कुछ भी चल रहा होगा उसके बस साक्षी हो। और इस खेल में सचमुच ही बहुत आनंद। तुम अगर चाहते हो कि जन्म जन्म तक ये प्रक्रिया चलती रहे, तो तुम्हारे लिए बस एक ही विकल्प है, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं इसे अनंत काल तक इसी तरह खेलने वाला हूं। तो अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो ये खेल कभी समाप्त नहीं होगा। हम फिर आएंगे अलग रूप में, अलग परिस्थिति में, अलग ढंग में, और नए ढंग से फिर सब कुछ प्रारंभ होगा। कुछ सद्गुरु शून्य में विलीन हो जाते, कुछ शून्य में विलीन नहीं होते, और वो अनंत काल तक अपना काम करते रहते। कुछ ऐसे सद्गुरु भी हैं जो सशरीर अपनी उस चेतना की अवस्था में पहुंच गए हैं कि अनंत काल तक वो अपना काम करते रहेंगे।
अनंत काल जब कह दिया जाता है तो बस उनकी जरा सी इच्छा। भारत में ऐसे 9 सदगुरु जाने हैं जो सशरीर उस उच्चतम अवस्था को उपलब्ध हैं कि वो अनंत काल तक काम करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, और तुम जहां तक अपनी स्मृति में जा सकोगे वहां तक तुम्हें उनकी पहचान मिलेगी और आगे भी वो अपना काम कर रहे हैं। फिर एक सदगुरुओं का सिलसिला संख्या में बंधा नहीं है, वो शरीर छोड़ते हैं और फिर शरीर में वापस आते हैं। मैं उस सिलसिले से संबंध रखता हूं जो शरीर छोड़ते हैं और फिर शरीर में वापस आते हैं। लेकिन उन सद्गुरुओं के जो सशरीर हैं संख्या हमेशा 9 ही रहती है। अगर उसमें से कभी किसी सद्गुरु ने ये चाहा कि मैं अब इस खेल का हिस्सा नहीं रहूंगा, शून्य में विलीन हो जाऊंगा, तब कोई अन्य सद्गुरु उसकी जगह ले लेता है और उससे पहले जो था वो शून्य में विलीन हो जाता है। ये एक बड़ी रहस्यमय प्रक्रिया है। तो तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी आशा पूरी तरह उपयुक्त है। अगर तुम सचमुच में उस आनंद में रहना चाहते हो तो तुम फिर साथ साथ चलो। भटकन सचमुच में कहीं नहीं है। जिसे भटकाव की तरह देखा जाता है वो व्यक्ति की अपनी मन से निकली हुई एक धारा होती है, क्योंकि व्यक्ति मानता है ऐसा कि भटक रहा है। कई बार तुम कुछ खोजने के लिए भाग रहे हो। एक अवस्था ये भी हो सकती है कि तुम बस जैसे किसी नदी के किनारे, किसी जंगल में, किसी सुंदर प्राकृतिक जगह पर बस चहलकदमी करते हो। तुम्हें खोजना कुछ नहीं है, तुम्हें पाना भी कुछ नहीं है, लेकिन तुम बस यूं ही चहलकदमी कर रहे हो। वो एक आनंद है। मंजिल के पास आते आते जो तुम्हें फिर से गुमराह कर दे, भटका दे, सचमुच में वही राहबर होता है अध्यात्म के जगत में। अध्यात्म के जगत में वो तुम्हारा रहबर नहीं होता जो तुम्हें किसी मंजिल पे बिठा दे, तुम्हें किसी उपाधि से विभूषित कर दे और तुमसे कह दे कि अब यात्रा का ये अंत है। यहां पर रहबर वही है जो तुम्हें ये बता दे कि मंजिलें आती हैं और जैसे ही तुम्हें मंजिल का एहसास होता है मंजिल फिर रास्ता बन जाती है। और इस चलने का अपना एक लाभ है, उसको भी तुम्हें अपने अंदर डालना पड़ेगा, तब ये यात्रा की और भटकने की सार्थकता होगी। जैसे रविन्द्रनाथ के उस साधक की मैंने बात कही थी कि वो परमात्मा के द्वार पर पहुंचकर वहां से फिर लौटकर भाग जाता है। तुम्हारे लिए ऐसा कोई ऐसा द्वार नहीं होगा जहां तुम पहुंचकर भाग जाओ। तुम मेरे पास बैठे होगे और किसी दिन तुम्हें लगे कि अब वो अंतिम घटना घटने वाली है और तुम यहां से भाग जाओ तो भाग कर कहां जाओ? भाग कर जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि जहां जाओगे तुम वहां मुझे पालोगे। भागना नहीं है, वो एक भावदशा है। इस भावदशा को गौतम बुद्ध ने बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यवस्थागत कर दिया था। उस दिन मैंने बात करी थी काव्यात्मक ढंग की, कि रविन्द्रनाथ का ढंग काव्यात्मक था। मैंने भी काव्यात्मक बात करी थी, लेकिन गौतम बुद्ध बहुत बड़े सिस्टम में कर रहे हैं। कुछ सद्गुरु बहुत सुंदर काम करते हैं, बहुत लोगों को प्रभावित करते हैं, बहुत लोगों को दिशा निर्देश देते हैं, और कुछ सद्गुरु ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े सिस्टम मेकर होते हैं, व्यवस्था निर्मित करने वाले। ऐसे ही सद्गुरुओं में गौतम बुद्ध थे। तो उन्होंने उस अवस्था के लिए बोधिसत्व शब्द का चुनाव किया था। बोधिसत्व
वो संबुद्ध सद्गुरु है जो पहुंचते पहुंचते वहां से मिल जाता है। तुम पहुंच रहे थे और पहुंच ही गए थे, कुछ भी बाकी नहीं रहा था, लेकिन शून्य में तुमने खोना तय नहीं किया और तुम वापस घूम गए। और वापस घूमने में जो अनिवार्य तत्व तुमने अपने भीतर डाला, वो अनिवार्य तत्व था करुणा। करुणा इस बात की कि वो लोग जो सचमुच में भटक रहे हैं और ये मानते हैं कि भटक रहे हैं, तुम उनके लिए रोशनी बन सको, तुम उनके लिए एक सहारा बन सको, तुम उनके लिए एक इशारा बन सको। व्यक्ति भटकता क्यों है? तुम्हें लगता है कि जो व्यक्ति शरीर से यहां वहां घूमता आता जाता दिखाई देता है वही भटकता है? कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीर से कोई यात्रा नहीं करते लेकिन वो निरंतर भटके रहते। भटकना मानसिक है और वो पीड़ादायक है। ध्यान का अनुभव, समाधि का अनुभव ये बताता है कि तुम जहां हो वहां पूरी तरह स्थिर हो गए हो, भटकाव समाप्त हो गया है और वो स्थिरता आंतरिक है, बाह्य नहीं। तो बोधिसत्व उस आंतरिक स्थिरता में रहता है और अपने सहयात्रियों के लिए ये प्रयास करता है कि लोग उस आंतरिक स्थिरता को उपलब्ध हो सके। उस आंतरिक स्थिरता को उपलब्ध होने के बाद एक नई ही सृजनात्मक धारा का प्रारंभ होता है। लोग बहुत ही क्रिएटिव हो जाते हैं, बहुत ही सृजनात्मक हो जाते हैं। अभी जो भटकने में लगे हैं वो सृजनात्मक नहीं है। अब सृजनात्मक का तात्पर्य ये नहीं है कि तुम कोई चित्र बना लेते हो, तुम कोई कविता लिख लेते हो, तुम कोई संगीत निर्मित कर लेते हो, या तुम किसी ऐसी कला के साथ होते हो तो तुम सृजनात्मक हो। नहीं, ऐसी कलाओं के साथ होकर भी कोई व्यक्ति सृजनात्मक नहीं हो सकता है और विध्वंसक हो सकता है। तुम्हें बहुत सारे आतंकवादी संगठनों में भी कवि चित्रकार सब मिल जाएंगे। कविता, चित्रकारी, संगीत या कला की कोई भी विधा सृजनात्मकता का प्रमाण नहीं। सृजनात्मकता जो आध्यात्मिक है वो इस प्रकार है कि जहां तुम हो वहां तुम्हारे होने से प्रसन्नता की और शांति की तरंगें फैलें। तुम्हारे संपर्क में कोई आए तो उसके जीवन में शांति की कोई धारा प्रवेश कर जाए तो तुमने सृजन का वो दैवीय कर्तव्य पूरा किया। यही वास्तविक सृजनात्मकता है और ये तभी आती है जब सारे भटकन समाप्त हो जाते हैं। भटकन का एक ही केंद्रीय बिंदु है कि आशा है कल कुछ होगा, आशा है भविष्य में। एक व्यक्ति ध्यान में भी जाता है और भटक सकता है इस कारण से क्योंकि ध्यान से वो भविष्य की कोई आशा करता है। और एक व्यक्ति ध्यान में इसलिए बैठता है कि ध्यान में बैठना ही आनंद है, उससे उसको कुछ पाना नहीं है। एक व्यक्ति किसी सद्गुरु के प्रवचनों को इसलिए सुनता है कि उसे उससे कुछ ज्ञान निकालना है, उसे कोई उत्तर खोजना है। और एक व्यक्ति बस इसलिए सुनता है कि सुनना ही अपने आप में आनंद। जो किसी भी घटना की पूर्णता को उपलब्ध हो जाता है उसी का भटकाव समाप्त होता है। फिर बाहर जो कुछ दिखाई देता है वो लीला मात्र। लीला शब्द भारत की खोज है और उसका यही अर्थ है जीवन का क्रम चलता ही रहता है। तुम शरीर में रहोगे, तुम्हारे शरीर और मन का संयंत्र जब तक तुम्हारे साथ रहेगा तुम तरह तरह की क्रियाओं में रहोगे। और फिर जब चेतना एक विशेष अवस्था में पहुंच जाती है, चेतना की एक विशेष अवस्था में तुम्हारा शरीर
मन का यंत्र कुछ अलग ही काम करना प्रारंभ करता है। वो क्या करेगा इसके बारे में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं करी जा सकती। जब तुम केंद्रित होगे, समाधिस्थ होगे, तुम्हारी चेतना तुम्हारे केंद्र में स्थित हो जाएगी तो तुम्हारे अंदर से कोई धारा निकलेगी जिसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम क्या करोगे? लेकिन तुम कुछ भी करोगे, तुम्हें एक बात पता होगी कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे। आध्यात्मिक व्यक्ति की जो उपलब्धि है वो यही है कि वो ये जान लेता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। सब होना घटता है और वो चेतना घटता है। वो क्या घटेगा क्या नहीं घटेगा इस पर उसका कोई बहुत आग्रह नहीं। तो ठीक है, तुम्हारे लिए ये उचित है, तुम्हारा ये चुनाव होगा, तो मैं ये आशीष तुम्हें अवश्य दूंगा कि तुम इसी तरह इस खेल में शामिल रहोगे। जिस दिन तुम चाहोगे कि मैं इस खेल में शामिल होना नहीं चाहता हूं, उस दिन के लिए भी मेरा आशीष होगा, क्योंकि स्वतंत्रता पूरी है। तभी मुक्ति है कि जब तुम आने जाने ठहरने किसी भी बात के लिए स्वतंत्र हो। तुम अनंत काल तक चाहोगे तो अनंत काल तक सिलसिला चलेगा, तुम जिस दिन नहीं चाहोगे उस दिन सिलसिला थम जाएगा, तुम शून्य में विलीन हो जाओगे।